डियर स्टूडेंट्स, केपीके में टोटल 34 गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ या इनके सब कैंपसेस मौजूद हैं। आज आपको केपीके की इन तमाम गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। इस वीडियो में केपीके के अलावा अर्स्टवाइल फाटा और गिलगित बल्तिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को भी शामिल किया गया है। ब्लू बॉक्स डॉट पी के आपके लिए लाया है ऑनलाइन स्टेशनरी की वसी रेंज। अब आप घर बैठे मंगवा सकते हैं स्टेशनरी के तमाम आइटम्स, ऑफिस सप्लाईज और आर्ट एंड क्राफ्ट आइटम्स। इस प्रोमो कोड को यूज करें और हासिल करें 10% डिस्काउंट कैश ऑन डिलीवरी और मनी बैक गारंटी के साथ। अभी विजिट करें bluebox.pk। 2008 में एबटाबाद के करीब हवेलियां में हजारा यूनिवर्सिटी का सब कैंपस एस्टेब्लिश किया गया। 2015 में इसे अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी का चार्टर दे दिया गया और इसका नाम एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। अप्रैल 2009 में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ मर्दान की बिल्डिंग में अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी कायम की गई। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के कैंपसेज में शामिल हैं मेन कैंपस, गार्डन कैंपस, कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री, यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर वेमेन, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस शंकर, पख्तूनख्वा कॉलेज ऑफ आर्ट्स, शहीद राशिद हुसैन कैंपस पब्बी और तीमरगरा कैंपस। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान का पलोसा कैंपस चारसदा में कायम किया गया था और इसे 2012 में फुल फ्लैज्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया और इसका नाम बाचा खान यूनिवर्सिटी रखा गया। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एबटाबाद में एक IT इंस्टीट्यूट कायम करने के लिए 308 कैनाल का रकबा ऑफर किया गया, जिस पे सितंबर 2001 में कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी का एबटाबाद कैंपस कायम किया गया। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के पाकिस्तान में 7 कैंपसेस हैं और एबटाबाद कैंपस इनमें से एक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड फ्रंटियर रीजन्स के अंडर फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज यानी फाटा की पहली गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी बनाने का प्लान 2013 में अप्रूव हुआ। 2016 में FR कोहाट में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दर्रा आदम खेल की बिल्डिंग में फाटा यूनिवर्सिटी कायम की गई। फाटा यूनिवर्सिटी फ्यूचर में खार, मीरानशाह और पारा चिनार में अपने सब कैंपसेस ओपन करने का प्लान रखती है। गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान में वाके खैबर पख्तूनख्वा की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। यह 1974 में इस्टेब्लिश हुई और इसका एक सब कैंपस टांक में भी है। हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसेहरा में वाके पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। ये 2001 में इस्टेब्लिश हुई। मानसेहरा के अलावा हज़ारा यूनिवर्सिटी का बटाग्राम में भी कैंपस है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज पेशावर में वाके डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन है। ये 1995 में इस्टेब्लिश हुआ और HEC की रैंकिंग के मुताबिक बिजनेस कैटेगरी में नंबर 4 पर रैंक करता है। 1913 में पेशावर में इस्लामिया कॉलेज कायम किया गया। 2008 में इसे यूनिवर्सिटी की हैसियत दे दी गई और इसका नाम इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी हो गया। इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी का शुमार पाकिस्तान की कदीम तरीन यूनिवर्सिटीज़ में होता है। कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगित में वाक़ है। यह 2002 में इस्टेब्लिश की गई। इसके सब कैंपसेज हंजा, खिजर और दियामीर चलास में हैं। खुशहाल खान खट्टक यूनिवर्सिटी करक में वाक़ है। यह 2012 में इस्टेब्लिश की गई। पेशावर में वाक़ खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी KPK की वाहिद मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ये 2007 में इस्टेब्लिश की गई। KPK के तकरीबन तमाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड हैं। इसके अलावा KPK के तमाम इंस्टीट्यूशंस जो मेडिकल और अलाइड हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, उनकी एफिलिएशन भी खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ ही है। कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिस्ट्रिक्ट कोहाट में वाके पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। ये 2001 में इस्टेब्लिश हुई। कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक सब कैंपस हंगू में भी है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस नम्बल इस्लामाबाद में 1969 में इस्टेब्लिश हुई। पूरे पाकिस्तान में इसके 8 शहरों में कैंपसेज हैं जिनमें पेशावर भी शामिल है। मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसालपुर में 1948 में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इस्टेब्लिश किया गया। 1988 में इसकी एफिलिएशन UET लाहौर के साथ की गई और नस्ट यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश होने के बाद 1995 में इसकी एफिलिएशन नस्ट के साथ कर दी गई। कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी रिसालपुर में वाक़ मिलिट्री कॉलेज है। ये 1965 में इस्टेब्लिश हुआ। मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग नस्ट के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं। 2001 में यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड ने डिस्ट्रिक्ट लोअर दीर में अपना सब कैंपस कायम किया। इसे 2009 में एक फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी बना दिया गया और इसका नाम शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शरिंगल हो गया। 2004 में KPK में पहली पब्लिक वुमेन यूनिवर्सिटी कायम की गई जिसका नाम फ्रंटियर वुमेन यूनिवर्सिटी था। बाद में इसका नाम शहीद बेनजीर भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी रख दिया गया। गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान की फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर को अपग्रेड करके 2017 में यूनिवर्सिटी बना दिया गया और इसका नाम यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर डेरा इस्माइल खान रखा गया। दी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पिशावर में 1981 में एस्टैब्लिश की गई। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की फील्ड में ये फोर्थ नंबर पर रैंक करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पिशावर का अमीर मोहम्मद खान कैंपस मर्दान में है। 2011 में कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगित का सब कैंपस करदू में ओपन किया गया। 2017 में इसे अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी बना दिया गया और इसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान हो गया। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान का एक सब कैंपस बुनेर में भी था, जिसे 2017 में अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी बना दिया गया और इसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ बुनेर रखा गया। चित्राल में शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शेरिंगल और अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान के सब कैंपसेस ओपन थे, जिन्हें 2017 में अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी की हैसियत दे दी गई और इसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ चित्राल रखा गया। 1952 में पेशावर में यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज के तौर पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज कायम किया गया। 1980 में इसे एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी बना दिया गया और इसका नाम NWFP यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर रखा गया। 2010 में इसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर हो गया। यूटी पेशावर के कोहाट, एबटाबाद, बन्नू और जलोजई में कैंपसेस हैं। गवर्नमेंट ऑफ KPK ने 2002 में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर का एक सब कैंपस मर्दान में कायम किया, जिसे 2017 में फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी बना दिया गया। इसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मर्दान रखा गया। हज़ारा यूनिवर्सिटी ने 2008 में हरिपुर में अपना सब कैंपस कायम किया। 2012 में इसे फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी बना दिया गया और इसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर रख दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बन्नू की तरफ से 2014 में एक सब कैंपस लकी मरवत में कायम किया गया। अक्टूबर 2017 में KPK गवर्नमेंट ने इसे अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत बना दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड चकदरा में वाकई पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। यह 2001 में एस्टैब्लिश की गई। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड एशिया की यूनिवर्सिटीज में 351 से 400 में रैंक करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर KPK की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। ये 1950 में कायम की गई। यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर KPK की पहली पब्लिक यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बन्नू 2005 में इस्टेब्लिश की गई। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बन्नू का एक विमेन कैंपस भी है, जहाँ सिर्फ फीमेल्स एडमिशन ले सकती हैं। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान का एक सब कैंपस डिस्ट्रिक्ट स्वाबी में कायम किया गया, जिसे 2012 में अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी बना दिया गया और इसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ स्वाबी हो गया। 2010 में मिंगोरा में यूनिवर्सिटी ऑफ स्वात कायम की गई। यूनिवर्सिटी ऑफ स्वात का एक विमेन कैंपस भी है और इसका एक कैंपस शांगला में भी है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी 2016 में नौशहरा डिस्ट्रिक्ट में कायम की गई। ये नौशहरा डिस्ट्रिक्ट की पहली पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी और KPK की पहली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है। 2017 में मर्दान में एक विमेन यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की गई, जिसका नाम विमेन यूनिवर्सिटी मर्दान रखा गया। और 2016 में डिस्ट्रिक्ट स्वाबी में एक विमेन यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई, जिसका नाम विमेन यूनिवर्सिटी स्वाबी है।